छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए विचारधारा को स्वीकार करते हुए और पूरे प्रदेश के अपने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ करके आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और जो जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, जिन्होंने आप सबके सामने जब दिल्ली ने ये कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, वही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा, लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है। आज तक 4.5 साल में चिल्लाता रह गया, योजना साथ नहीं आया, उसको रोक दिया। तो ये नाम बदलने के बाद भी लोग कहते हैं कि इनकी सारी योजना चल रही है। अरे मेरी तो यही योजना नहीं चल रही है, कैसे मालूम दूसरी योजना चल रही है? तो ये स्थितियां आपके कार्य की है। तो हम चाहेंगे, आपसे बात हुई है, तमाम सारी कर्मचारी संस्थाओं पर बात हुई है और उनमें तमाम सकारात्मक चीजें हैं और हम चाहेंगे कि आपकी सरकार जरूर बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, हम लोग उसमें समय लगेंगे तो उनके ऊपर भी काम करेंगे, जो जायज चीजें हैं उनको अवश्य दिलवाएंगे हम लोग बैठ के। ये सारा प्रयास हम लोगों का होगा। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, युवा के नौजवान साथियों के दिलों की धड़कन, उन्होंने हमेशा अपने आप को एक हृदय विकास देने का काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा अपने माननीय नेताजी नेताजी को। हमेशा उन्होंने मुझे अपने हर कदम पर मुझे उन्होंने दिशा देने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कई कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हम उनको